अपराधी वो लोग हैं जो इस बच्चे को वहाँ उस पर चढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले लोग असली अपराधी हैं। तो ये कहा जा रहा है हमारे देश के बच्चों का रिलीजन के नाम पे, जातियों के नाम पे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये वाकया आपने हर जगह सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन क्या इस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लगातार जो दंगे और फसाद हो रहे हैं वो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, ये विचार करने लायक नहीं है? आज इसी मुद्दा पे हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। चलिए उनसे जानते हैं कि अभी जो बहराइच में घटना घटी है, जिस तरीके से दंगा हुआ है, उसके बारे में उनकी क्या राय है? अब जो हो रहा है बहराइच में ये देश के लिए दुखदाई है, ये नॉनसेंस है। बनते हो धार्मिक यात्राएं करते हो, एक दूसरे पे मान लो या तो पत्थर फेंकते हो या एक दूसरे के झंडे उतारते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हो, दिस इज नॉनसेंस। और ये क्यों हो रहा देश में पता है? क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ सुप्रीम कोर्ट में वकील, मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे को तो सारी की सारी पहले अपना घर देखना है। ये सारा इस देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कोर्टों की कमजोरी की वजह से ये देश पंगु हो रहा है। इनको अपना काम पूरा करना होगा, ये अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे इस वजह से। बहराइच में जो घटना घटी है वहाँ के स्थानीय विधायक का सर एक बयान आया है, उन्होंने ये लिखा है कि लगातार एक तरफा वीडियो दिखाया जा रहा है, मुद्दा यही है कि उस लड़के ने जिसकी जान गई है उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने झंडे को नहीं उखाड़ा है। आपको भी पता होगा ये विषय, मैं चाहूंगी आप ही हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से मुद्दा, हमने तो एक वीडियो देखा है जिसमें कोई बच्चा किसी झंडे को उखाड़ रहा है जो शायद हरे रंग का है और उससे वो झंडा उखाड़ता है, नीचे लोग भी खड़े हैं, भीड़ भी है, कोई नारे लगा रहे, इसमें क्या गड़बड़ है भाई? अगर इसमें गड़बड़ है तो सच्चाई बता दो देश के सामने। ये सच्चाई मैं नहीं कह सकता, ये बदमाशी है। कोई ऐसा कहे कि हिंदू गलत लोग हैं या मुसलमान गलत लोग हैं या ईसाई गलत लोग हैं या सिख गलत लोग हैं, कोई गलत नहीं है। गलत इन्हीं के अंदर से कुछ वांछनीय शरारती तत्व हैं जिनको हवा देना, हवा उनको मिल रही है पॉलिटिकली, उनको रोकना समाज का काम है। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई करते हैं, ये उस समाज की जिम्मेवारी है। वो सरकारों के भरोसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। सरकार में लोग वोट की राजनीति के लिए आप लोगों का विनाश कर देंगे, आप लोगों को लड़ा देंगे, मासूम मारे जाएंगे, बेगुनाह मारे जाएंगे और चालाक और धूर्त लोग आग लगा के भाग जाएंगे। इनसे बचना होगा, बचाना होगा अपने आज के वर्तमान को भी और अपनी भावी पीढ़ियों को बचाना है तो सारी सांप्रदायिक ताकतों को का विनाश करो, मिलजुल के विनाश करो और सांप्रदायिक ठेकेदारों को हवा मत दो और सांप्रदायिक ग्रंथों को भी जो वास्तविकता के खिलाफ है उनका डटकर विरोध करो। गोपाल मिश्रा जिसकी उम्र महज 22 साल थी और 6 महीने पहले से उसकी शादी हुई थी जी, उसको इस दंगे का मुद्दा बनाया गया है और उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल को जलाया गया, लोगों ने जिस तरीके से हाथों में डंडे और लाठियां लेकर प्रदर्शन किया, आपको क्या लगता है ये किस ओर इंगित कर रहा है? ये इस ओर इंगित कर रहा है प्रशासन का फेलियर है, मैं तो कहूँगा प्रशासन का हाथ है। तो आपने कहा कि प्रशासन का हाथ है, सर वहाँ एक प्रशासन के अधिकारी हाथ में रिवॉल्वर लिए नजर आ रहे हैं, ठोक दो मार दो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इनको सुधार गृह में डालने की जरूरत है ऐसे सारे अफसरों को जो IAS हो IPS हो जितने भी हैं। ये गुंडे जो IAS IPS के भेस में सरकारों की चमचागिरी करते हैं, संविधान का उल्लंघन करके चमचागिरी करते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए, अपनी ठगी ठोरी मारने के लिए, इनसे भी देश को सचेत होना पड़ेगा। ये जनसेवक नहीं है, ये राजसेवक हैं, ये तानाशाह सेवक हैं, इनका इलाज करना होगा और इस देश में बहुत कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है। और बात उसके हमारे देश के युवाओं को, चाहे वो कोई मिश्रा इस ये बच्चा जो जिसकी डेथ हुई है इससे हम खुश नहीं हैं, ये गलत है। एक बच्चे की जान जाना भी इस देश में गलत है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। किसी ने उसको मारा, किसी ने उसको इंस्टिगेट किया, अपराधी वो लोग हैं जो इस बच्चे को वहाँ उस पर चढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले लोग असली अपराधी हैं। ये कहा जा रहा है हमारे देश के बच्चों का रिलीजन के नाम पर, जातियों के नाम पे मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और मानसिक जहर फैलाया जा रहा है। हमारे युवाओं को अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये सत्ता के लोलुप लोग, राजशाही और तानाशाही मानसिकता के लोग इस देश के युवाओं को भी पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, विदेश भेजते हैं और आम जन के बच्चों को ये इसी तरह से जहरीला बनाकर उनसे गलत काम कराते हैं और देश में दंगा फैलवाते हैं। इस बारे में देश की जानी मानी हस्ती प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पे उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासन का फेलियर है। आपको लगता है कि प्रशासन फेलियर है इस बारे में? बिल्कुल प्रशासन का फेलियर है। और प्रशासन का क्या फेलियर है, अगर मैं CM हूँ या मैं PM हूँ, मुझे पता है मेरे क्लियर कट और या अपने मंत्रिमंडल ने क्लियर डायरेक्शन है कि कोई भी जुलूस किसी संप्रदाय का निकलेगा, किसी की हिम्मत ना हो दूसरे संप्रदाय को गाली देने की, उसके खिलाफ नारे लगाने की, तो हिम्मत ही नहीं हो सकती।
किसी डीसी की एसपी की कि मैं आदेश के बाद इस तरह का काम होने देंगे और कहेंगे दोनों समाजों के प्रमुख लोगों को बिठा के उससे पहले रास्ता भी तय करो कहाँ से यात्रा जाएगी और वो साथ रखें समाज के अच्छे लोगों को जिनका विश्वास है सभी समाजों के लोगों में, ईमानदार लोग हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, देहात में, कॉलोनी में ऐसे लोग होते हैं जिनका विश्वास, जिनके ऊपर सभी समाजों का विश्वास होता है, उन लोगों को इसमें आगे रखना चाहिए। ये एसपी डीसी खाली किसी के कहने पे, जैसे अंग्रेज सरकार चलाते थे जनरल डायर की, चला दो फायर कर, मार दो गोली, ये वही धंधा चल रहा है देश के अंदर। अभी डेमोक्रेसी आई नहीं है, खाली कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे हो रहा है सब कुछ, मगर इसमें मानसिकता तानाशाही और राजशाही वाली लोग हैं, वही लोग आप देख लो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, या जिस तरह के लोग मंत्रिमंडल में हैं, एमएलए एमपी हैं, उनकी मानसिकता क्या है? क्या लगता है आपको, ऐसे दंगे हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है? इसलिए मैं देश के लोगों को विनती करूंगा कि आप जागरूक हो जाओ, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने की बजाय इंसान बनो, मानवता के उस पर एकजुट हो जाओ। आज अपना वर्तमान ठीक रखना, अपने बच्चों का भविष्य में उनको जिंदा देखना चाहते हो तो इन ताकतों का विरोध करो और कंडम करो, खुल के सड़कों पे आओ और विरोध करो, हर ऐसे जुल्म का विरोध करो जो मेरे को किसी दूसरी जाति के खिलाफ, मेरे को या मेरे बच्चों को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काते हैं, उन सारी ताकतों को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। उनकी जगह है असली, बहुत सारे बेगुनाह इस देश के लोगों के जेलों में हैं जिनका नाम सुधारगर है, बेगुनाह अंदर हैं और गुनहगार बाहर घूम रहे हैं, इन गुनहगारों को अंदर होना चाहिए ताकि अच्छे इंसान बन सके और बेगुनाहों को इस देश में जमानत पे छूटना चाहिए। सर आप तो वकील हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होगी, अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है ये चुनावी कुछ साजिश तो नहीं चल रही है वहाँ पे? चुनाव से पहले ही ये सब तो शुरुआत नहीं कर दी गई है? इसे मैं क्या कहूँ, पूरा देश ही कह रहे हैं साजिश है जी, और ये साजिश की बू आती क्यों होता है इलेक्शन के दौरान? इन लोगों को आदत पड़ी हुई है, ये हिंसा के आधार पे जाति पाति बांट के, रिलीजन बांट के और लोगों के इमोशन से खेल के सरकार बनाते आए हैं और लगातार सरकार बना रहे हैं, इससे सरकार बना गया और उसके बाद मशीनों में गड़बड़ करके इन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है, ये कब्जा है देश पे, और अपोजिशन फेल हो रहा बुरी तरह से लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, और देश पूरा सड़कों पर आने के लिए तैयार है। अच्छी लीडरशिप और विश्वसनीय लोगों की जरूरत है जो कि काफ़ी कमी नज़र आ रही जिसकी जी। जिस तरीके से वहाँ के विधायक का बयान आया है उस हिसाब से तो साफ नज़र आ रहा है कि वो एक तरफा बातें कर रहे हैं, वो सीधे ये कह रहे हैं कि एक तरफा वीडियो दिखाई जा रही है और एक साइड से होकर बात की जा रही है, एक धर्म को उस पर टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, एक विधायक को इस तरह की बातें कहना देश को किस तरफ ले जा रही है? ये तो विधायक कहाँ के हैं, सारे मदारी के बंदर हैं ज़्यादातर विधायक एमएलए एमपी, इसीलिए पार्लियामेंट में देखते हैं, ऊपर से जो कथा कहानी जो लिख के आती है, स्टोरी लिख के आती है, डायरेक्शन जो मिलती है वही बोल पाते हैं बेचारे, ये राइट टू एक्सप्रेशन है ही नहीं बीजेपी के अंदर, तो राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है, बोल ही नहीं सकता कोई, बोल ही नहीं सकता, औरों में भी नहीं है, और पार्टियों में भी बहुत कम है, मगर उनकी सत्ता नहीं होने की वजह से वो कुछ बोल जाते हैं, वरना सारी पॉलिटिकल पार्टी में, और इसमें तो कमाल ही हो गया, इसमें तो कोई बोल ही नहीं पाता बीजेपी में, सब ऊपर से लिखा आता है किसको क्या बोलना, क्या नैरेटिव चलाना है, ये सारे के सारे मदारी के बंदरों की तरह व्यवहार करें, जनता के प्रतिनिधि नहीं है जी। ये प्रतिनिधि तो इनको मिल गया है और गलत तरीकों से, डेमोक्रेसी इस देश में नाम की है काम की नहीं है, अभी डेमोक्रेसी को काम की डेमोक्रेसी बनाने की जरूरत है देश के अंदर। अच्छा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जुलूस निकल रहा था, जुलूस में अजीबोगरीब गीतें बजाई जा रही थी, खासकर भाजपा के समर्थन में गीत बजाई जा रही थी, जिसके वजह से जो खास मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनको टारगेट किया जा रहा था, क्या ये सच है? अरे बात तो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता सच क्या है जी। वो तो आप लोगों को पता होगा या जो रियलिटी है, अगर ऐसे बजाए जा रहे थे दुर्गा पूजा में भाजपा का गीत चलाने की क्या जरूरत है? भाजपा की बपोती थोड़ा है हिंदू रिलीजन या हिंदू लोग भाजपा की बपोती हैं क्या, गुलाम है क्या, उनके बंदर हैं क्या? दिस इज नॉन सेंस ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी, अगर ऐसा हुआ तो, या उनके जो पदाधिकारी हैं उनके पार्ट पे है, या और आरएसएस पे है, सबसे ज़्यादा आरएसएस पे है जो षड्यंत्र रच रहा है इस देश के अंदर, दोबारा टुकड़े कराएंगे ये लोग, ना आज़ादी में शामिल है, ना देश को आज़ाद रहने देना चाहते हैं, ना इस देश को आज़ादी का महसूस और इन्जॉय करने देना चाहते हैं, अब देश को समझ में आ रहा धीरे धीरे, ये शिकार हो रहे हैं इनके, लोगों को जातियों में पाड़ते हैं, और वर्णवादी लोग हैं ये, वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं, और ये देश बुद्ध का देश है, ये देश ढोंग ढकोसले का देश नहीं है, ये देश पाखंड का देश नहीं हो सकता, पूरा देश दोबारा से बौद्ध में होगा, क्योंकि वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि लोगों को साइंटिफिक टेंपर का बनाओ, वास्तविकता के आधार पर लोगों को चलाओ, और ढोंग ढंगारे से या लोगों को मूर्ख और मानसिक गुलाम बनाने के लिए जितनी कथा कहानियाँ रची गई हैं उन सब का अंत निश्चित है जी। और नए युग में इस देश के लोग मानवता के लिए काम करेंगे, और ये मानवता का देश है, और इट इज़ अ कंट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें रिलीजन्स के लिए कोई जगह नहीं है।
तो आपको क्या लगता है, आए दिन नारे लगाए जाते हैं हिंदुओं जाग उठो, शस्त्र के साथ अस्त्र उठाओ, बटोगे तो कटोगे, कई सारी तमाम चीज़ें हैं जो देश में अभी हावी हो रही हैं, तो क्या लगता है इन्हीं सबका इफेक्ट कहीं पड़ रहा है इन तमाम चीज़ों पर? इन्हीं बयानों पर इनको गिरफ्तार करना चाहिए, इन पर मुकदमे चलने चाहिए। ये अपराध है इस तरह की भाषा बोलना, और ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारी जेब में है जी, इस वजह से ये हो रहा है देश के अंदर। इस देश का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क अगर कोई करेगा या हुआ है जितना भी, वो इमरजेंसी के दौरान सारी सुप्रीम कोर्ट और सारे जज लंबे लेट गए थे और किसी में बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। जो काम इनको दिया गया था वो काम इन लोगों ने किया नहीं, एक आध को छोड़ के। और अभी भी स्थिति यही है कि सरकार को लगता है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी जेब में है, और इसीलिए देश को बचाने की जो ड्यूटी जिनकी थी उनको करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया इस देश का। अच्छा सर, जिस दंगे की हम बात कर रहे हैं बहराइच की, वहाँ और ये... इनको इनके शिकंजा से बाहर निकालनी होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स इस देश के लोगों की होगी, हर समाज के लोगों की होगी। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसी तरह से कई बार तमाशा देखती रहेंगी और देश में सरकारों के नाम से या गलत कानूनों के नाम से अत्याचार होता रहेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए देशवासियों ध्यान रखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे लगातार नज़र रखो, ये आपके साथ कितने खड़े हैं आपके फंडामेंटल राइट के लिए और देश में शांति और अमन चैन और भाईचारा बढ़ाने के लिए। बहराइच में जो दंगा हुआ है सर, उस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस जो थी वो चाहती तो शांति से इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसने भीड़ को भड़काया, उसने पत्थरबाजी होने दी, उसने दो जो गुटों में लड़ाइयाँ हो रही थी उसको चलने दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही मानना है देश के लोगों का। देश के लोग हो रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, या जो भी कुछ हो रहा है आरएसएस के इशारे पे हो रहा है, और अच्छा, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो देश में सर, जाति सांप्रदायिकता ना, मतलब जो अभी चल रहा है दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह की लड़ाइयाँ देश में नहीं हो, ये जो आपसी तालमेल है वो बना रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये सरकार नहीं कर पाएगी, ये प्रशासन नहीं कर पाएगा, इस पर आरएसएस भी नहीं बोल पाएगी, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए। इन जजों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए देश के प्रति। अगर ये इस तरह की ड्यूटी नहीं दे पा रहे, इनका इन पदों पे बैठना निरर्थक है, इस्तीफा देके अपने घर बैठे तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और हमारे साथ आज के बातचीत में थे बलराज सिंह मलिक। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहराइच की घटना है उसने देश में एक ज्वलंत मुद्दा पैदा कर दिया है। अब देखना है कि आगे यह जो दंगा है वो किस हद तक जाता है, या फिर इससे संबंधित आधिकारिक तौर पर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका कोई बयान आता है या नहीं आता है। चलिए ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, आप बने रहिए द जनता लाइव के साथ।